हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? तो हमने लिखा है एरोमेटिक एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन। एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसा लेना है जो कि कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और उसको ट्रीट कराना है विथ एल्कोहलिक केसियन, यानी कि मीडियम केसियन किस में होना चाहिए? एल्कोहलिक मीडियम में। एक एक्वस मीडियम आता है, एक एल्कोहलिक, तो हमें कौन से मीडियम रखना है? एल्कोहलिक मीडियम रखना है। केसियन एल्कोहलिक मीडियम में होगा और उसको ट्रीट कराएंगे ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड से जो कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेन ना करता हो। तो फिर प्रोडक्ट हमें मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि कीटोन तो मिलेगा ही, बट उसके अल्फा पोजिशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा, तो और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम बेंजोइन कहते हैं। तो वही हमने लिखा है कि देन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज फॉर्म्ड, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को बेंजोइन कहते हैं, इसीलिए इसका स्पेशल नाम पड़ा बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन आपका हो जाएगा, बेंजोइन ये आपका बन गया। सबसे पहले हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं बेंजिल एल्डिहाइड के, ये एल्कोहलिक केसियन से जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, ये सी एच जैसे था वैसे है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो H प्लस जाके यहाँ पे, या अभी रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल ये समझ जाइए कि आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। और ये देखिए कीटो ग्रुप आपका है यहाँ पे, और इसके अल्फा पोजीशन पे ये अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसी को हम क्या कहते हैं, बेंजोइन कहते हैं। अब ये चीज़ हो गया, यहाँ पे ये नहीं है कि आप चेंज कर सकते हैं, हमने साफ साफ लिखा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, तो ये नहीं कर सकते यहाँ पे कि कोई और ग्रुप लगा दें, हम इस कार्बन से CH3 लगा दें या फिर हाइड्रोजन लगा दें, तो और वो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए जो कि कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन, उस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, इस कार्बन से जो कार्बन ये लगा है यहाँ पे, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया होगा, ये सिंगल बॉन्ड और एक इधर, तो दो और दो चार, इस कार्बन की वैलेंसी चार कंप्लीट हो गई, तो इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, इससे लगा हुआ एडजेसेंट कार्बन यही है, यानी कि अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इसलिए ये रिएक्ट कर सकता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हम ऐसा लेंगे जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन हो, और एल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए केसियन से जब ये रिएक्ट करेगा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करता है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम क्या कहते हैं, बेंजोइन कहते हैं। तो मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है प्रोडक्ट का। मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हमने केसियन लिया था एल्कोहलिक, ये ब्रेक करेगा के प्लस और सी ए नेगेटिव में, ठीक है। फिर हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे बेंजिल एल्डिहाइड के, तो एक मॉलिक्यूल पहले यूज़ करेंगे हम इसके साथ, तो एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये साइनो हो गया आपका, तो ये क्या करेगा, जाके ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा, चूँकि न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव कर रहा है, तो इस कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन ने ऑलरेडी चार बॉन्ड बना रखे हैं, फिर CN के साथ अटैच होगा तो पांचवा बॉन्ड इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमको पता है कि कार्बन पांच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा ऑक्सीजन के साइड, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया और ये साइन हो जाकर यहाँ पे साइनाइड लग गया, ठीक है, इस कार्बन के साथ। तो अब इस कार्बन पे चार बॉन्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर इसको H प्लस दे देंगे, जैसे ही H प्लस देंगे तो O नेगेटिव उसको पकड़ के OH हो जाएगा, ठीक है, तो जैसा ये था वैसे ही है, बस इसमें H प्लस ऐड हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास चूँकि हमने KCN लिया है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही मोल हमने लिया है, बहुत सारे होंगे, तो एक CN वहां से लेंगे और यहां से H प्लस निकल जाएगा, HCN के रूप में निकल जाएंगे ये, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब ये कार्बन नेगेटिव हो गया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन हो गया, अब दूसरा वाला जो हमने चूँकि दो मोल लिया था बेंजिल एल्डिहाइड, तो दूसरा वाला मोल यहाँ पे है, और ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ, इसका रिएक्शन किससे हो जाएगा, जो दूसरा मोल हमारा न्यूट्रल में था बेंजिल एल्डिहाइड उस वाले से, तो ये न्यूट्रल में हमारा था और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया यहाँ से, यानी कि पहले हमने एक मोल जो भी लिया था बेंजिल एल्डिहाइड उसको न्यूक्लियोफाइल पहले बना लिया, ठीक है, तभी तो रिएक्ट करेगा, दोनों न्यूट्रल होंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमने पहले बना लिया। फिर दूसरे मोल के साथ जब इसका रिएक्ट कराया, तो ये न्यूक्लियोफाइल चूँकि पहले अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया इस कार्बन पे, तो फिर वही कंडीशन हो गई जैसे यहाँ पे साइनो ने जाके अटैक किया था, तो कार्बन पांच बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर गया था ऑक्सीजन के साइड,
वैसे ही सेम यहाँ पे कंडीशन हुई है, और इस कार्बन से ये कार्बन आपका अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन हमने नीचे दर्शा दिया नीचे इस कार्बन से, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव यहाँ भी हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया, और ये कार्बन से ये कार्बन अटैच हो गया, और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकाल देगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ज़रूरत है, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही हाइड्रोजन जाके इस वाले ऑक्सीजन से लग गया, तो अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, चूँकि इसी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ब्रेक किया था, और हाइड्रोजन जाके यहाँ पे लग गया, पहले तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे आ जाएगा, जैसे ही कार्बन पे आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से चूँकि कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बनाया था तो पाँचवा बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड तो कोई उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि साइनो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो सीजन निकल जाएगा सीजन नेगेटिव बन के, और यहाँ पे कार्बन के साथ चार बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, दो ऑक्सीजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक बेंजीन ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, कीटो ग्रुप यही है, तो इसके एडजेसेंट कार्बन ये है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा है, तो इसी को कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, या फिर बेंजोइन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये थी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।